You cannot talk to women, you cannot shoot them. About Chechnya, when shoot. I shoot. Like shoot, shoot, shoot. Yeah, shoot video. मैं बोले मैंने ये गाना नहीं सुना है, सोनू निगम का कुछ गाना है तू करके. यहाँ तक पहुँच चुके. मैं भी ये ग्रोजनी की तरफ से भाई साहब कब किया जाऊँ? ध्रुव. ये इनका नाम ध्रुव बता रहे हैं, मतलब फ्रेंड बता रहे हैं. स्पाजी बाबल सर. तो ये हालांकि ग्रोजनी की तरफ जा नहीं रहे, पर फिर भी इन्होंने मुझे राइड दे दी है. तो फर्स्ट राइड मिल गई है बहुत आसानी से, एक सेकंड में मिल गई है. और जस्ट अभी आ ही रहे थे तब ये एक राइड इनके मतलब रोड ब्लॉक था. तो आपको बताता हूँ आगे रोड ब्लॉक क्यों था. माशुकता लेके ग्रोजनी सिटी में आ गया हूँ. मेरे होस्ट का घर यहीं कहीं है. उन्होंने मुझे व्हाट्सएप लोकेशन भेजी है. तो चलते पहले व्हाट्सएप लोकेशन. आज थोड़ा सा अभी रैंडम लोग बन रहे हैं बिकॉज 3 दिन से थका हुआ हूँ और हिचहाइकिंग कर रहा हूँ और कुछ पता नहीं है मुझे ग्रोजनी के बारे में. तो एक बार पूरा सेटल होता हूँ और फिर सही से वीडियो बनाता हूँ. एक बार सीख लेता हूँ पहले क्या क्या दिखाना है, क्या 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 शूट कर सकते हैं. फिर पता पड़े कि ये शूट नहीं करना था और ये कर दिया. चलो बेटा जेल में, ये अच्छा नहीं लगेगा. तो ऐसे कुछ रोड है. पिछले 1 किलोमीटर से चल रहा हूँ. काफ़ी गर्मी है. 33 डिग्री है पर गर्मी इतनी लग रही है मुझे कि जबकि मैं इंडिया से लास्ट 45 डिग्री पर आया हूँ. फिर भी इंडिया में अपन ने 45 डिग्री 44 डिग्री भी देख रखा है, पर ये जो गर्मी फील हो रही है वो अलग. तो ये मेरे होस्ट है अब्दुल्ला. ये अब्दुल्ला होस्ट है ग्रोजनी में, मेरे पहले होस्ट है चेचनिया में, फर्स्ट होस्ट. सो काफ़ी मिसकंसेप्शन थे मेरे कि आई हैव लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन लाइक यू कैन नॉट टॉक टू वुमेन, यू कैन नॉट शूट देम. अबाउट चेचनिया व्हेन आई शूट वेल यूजुअली इट्स फाइन. Usually it's fine, yeah, but you know, you cannot talk to women if you try to, you know, like seduce her okay. or something. On the wrong way. Yeah, but okay. just to communicate, ask if you direction, need something, just help or something, yes, everything is fine. Okay. Welcome. I think you are my first guest from Rajasthan because I have I had a guest from Calcutta and from Kerala. काफी बड़ा सा घर है, इतना बड़ा. मैं हमेशा अपार्टमेंट में ही काउच सर्फिंग होती थी, पर पहली बार ये कुछ घर में काउच सर्फिंग हो रही है रशिया में. और तो ये इनका कुछ किचन सा है, वो एक मेन कमरा है. और मेरी जो गलत फहमी थी कि औरतों से बात नहीं कर सकते, औरतों का वीडियो शूट नहीं कर सकते, वो इन्होंने क्लियर कर दी. ऐसा कोई बात नहीं, अगर आप गलत वे में नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है. ये मेरा कमरा है और ये मैंने सामान भी खेल रखा है आते ही. अब क्या करूँ, इतना सारा सामान है. सो ऐसा कुछ एरिया दिखता है. ये काइंड ऑफ थोड़ा सा हाई सोसाइटी एरिया है और सबके लोगों के आगे गार्डन है. ये अब गर्मी इतनी है कि ये गार्डन सारे सूख चुके हैं और अभी अभी नया नया घर बनाया. बता रहे थे मुझे कि नया नया घर है इसलिए ज़्यादा वो इन्होंने खेती बाड़ी सही से की नहीं, मतलब घास फूस सही से किया नहीं है, गार्डन वगैरह सही से किया नहीं है. इसका क्या मतलब? अच्छा, ये पार्किंग के लिए, ये जो चीज़ है ये पार्किंग के लिए. इट इज़ फॉर पार्किंग या कार पार्किंग? We love these places. Usually, if when we finish, it also would be a sitting place in summer to have tea, coffee, or something, and also to park your car. ये से कुछ रशिया चेचनिया के सुपरमार्केट है. चेचनिया का सुपरमार्केट है और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ मैं, काफ़ी सस्ता है रशिया के हिसाब से. ये जैसे 200 रुपये के रूबल से मिल रहे हैं. जैसे ये अलग अलग केक्स हैं चाय के साथ खाने के लिए, तो रशिया में ये 400 रुपये के जो रशिया के मॉस्को वगैरह में या मेन सिटीज में महंगे मिलते हैं. और अलग अलग तरह के चॉकलेट हैं, जैसे 385 रुपये के किलो, 480 रुपये के किलो, मतलब रूबल्स के किलो. बट ये देखो 160 में ये वाली चॉकलेट का पैकेट. सो है काफ़ी सस्ता, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा. और अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं इसमें सुपरमार्केट में, आपको सब मिल जाएगा. तो ऐसे कुछ सुपरमार्केट्स होते हैं चेचनिया के. और फल फ्रूट भी सस्ते हैं, जैसे कि मैं एप्पल खाता था 180 रुपये में, 180 में काले अंगूर मिल रहे हैं 125 में, और ये सफ़ेद अंगूर मिल रहे हैं 125 में. इवन इन किर्गिस्तान इट इज़ ग्रेप्स आर मोर एक्सपेंसिव. लाइक किर्गिस्तान या 200 रूबल्स, 200. या बट इट्स नॉट इन रूबल्स द प्राइस इज देयर. नो, इट्स रूबल एंड सोम्स आलमोस्ट सेम. ओके, आई सी.
तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये जब यंग थे तब ये गाना सुनते थे, तो मैं बोले मैंने ये गाना नहीं सुना, ये सोनू निगम का कुछ गाना है तू करके है। काफ़ी शानदार है। सो गाइस ये है ग्रोजनी मॉल, ग्रोजनी का इकलौता मॉल है। ये काइंड ऑफ दुबई वाली फील देगा आपको, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग हिजाब में आएंगे। अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे ये है 899 और डिस्काउंट पे मिल रहा है 550 रुपल्स का, ठीक है बट महंगा है। ये इस टी शर्ट का आपको बताऊँ तो 450 रुपल, ठीक है ये 450 रुपल में ठीक है क्वालिटी वाइज, रुबल रुपी सेम है अगर आपको बता दूँ तो। इतनी ज़्यादा रेट नहीं है भाई साहब, जो पहले वाले में ले गए थे मुझे वहाँ तो बहुत ज़्यादा था। मेट्रेस देखो यहाँ पे सिर्फ 250 रुपल्स की, बैकपैक 1999 रुपल का, जैकेट देखता हूँ ये वाला 1399 रुपल का, पर ये कितने तक चलेगा, ये कुछ नहीं चलने वाला 1399। ये थोड़ा सा हैवी लग रहा है 1099 रुपल का, अरे यार तो ये तो काफ़ी हैवी है फॉर 1099। इट्स द प्राइस 1099 रुपल्स, इट्स गुड। 1099 में तो काफ़ी सही जैकेट मिल रहा है यहाँ पे, यार चिन्या से आके ले जाऊंगा मैं जब पहले वहाँ पे जाऊंगा तो। बेल्ट है ठीक है, सो गाइस स्वागत करता हूँ आपका एक और नई सिटी में। ग्रोजनी का है सिटी का नाम और ये काइंड ऑफ चेचन्या की कैपिटल सिटी टाइप की है। सो हाँ 2 घंटे से सोया था और कुछ करने को था नहीं, और शाम हुई तो भाई साहब बोले चलो घुमाते हैं, मैंने कहा ठीक है चलो दिखाते हैं। सो ये कुछ सिटी सेंटर में काइंड ऑफ लाए हैं, और पीछे जो देख रहे हो आप वो मॉस्क है, वो आर्ट ऑफ चेचन्या मॉस्क, ये काफ़ी फेमस मॉस्क है और ऐसा कुछ सिटी सेंटर है, लोग घूमने आ रहे हैं शाम पर तक कुछ खाना खाने आ रहे हैं, और बढ़िया सी जगह है, काफ़ी डेवलप्ड है। मैं सोच रहा था कि ठीक ठाक सा होगा, नॉर्मल सा होगा, पर काफ़ी डेवलप है। यू आर फ्रॉम Friends, closest friends. What can you tell about yourself? What you do for a living? Nothing. I save some money. No? Yeah, I'm working on this YouTube, and I'm expecting some money after 3-4 months from this. Yeah, but I have some savings for like 1 year travel maybe. Nice evening, by the way. Yeah, it's hot. Too hot there. Yeah. Homeland. Yeah, it is. Modern. 50 degrees. No, not more than 50. It's like maximum 40. In my city it's 45. What about winter? In March. What about in winter? Yeah. In it's like 10 lowest, 20 maximum. Okay. ऐसा कुछ सिटी का सेंटर है, घूमने की जगह है। सो ये भाई साहब इब्राहिम है, इनके दोस्त हैं और इस सिटी सेंटर घुमा रहे काइंड ऑफ। काफ़ी मॉडर्न सा है, जो मैंने सोचा था वो नहीं है, मैंने सोचा था गांव वगैरह होंगे, पर काफ़ी डेवलप सा एरिया है एकदम, जैसे न्यूज़ नोगढ़ कज़ान वगैरह आपने देखा था ना, उसी टाइप का काफ़ी डेवलपमेंट हो रखा है। तो ये अब काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और काफ़ी लोग घूम रहे हैं, और यहाँ से जा अब हिजाब भी बहुत कम देखोगे, मतलब 70-80% You see, it's not tall building, so that's why it survived 2 wars here. It was built in 1920s. Grozny, it's a quite new town. It was founded in 1818. At that time, it was a fortress. Of course, Russians, when they founded fortress here, they destroyed all the villages, Chechen villages around it. So, भाई साहब बता रहे हैं कि ये जो building है, ये 1920 में बनी थी। और ये ओल्डेस्ट बिल्डिंग है चेचन्या की, और इस बिल्डिंग को बनाने का मकसद ये था कि ये पेट्रोलियम से काम करने वाले जो लोग थे उनको स्टे देने के लिए बिल्डिंग बनाई गई थी। सो ये ऐसा कुछ कैफे है, प्रोबेबली वेजिटेरियन कुछ डिश ट्राई करने के लिए मुझे लाए यहाँ पे। सो देखते हैं क्या है। दिस इज आवर नेशनल डिश कॉल्ड चेपॉक, इट इज विद कॉटन चीज इनसाइड। This one is almost the same but with a pumpkin inside. Okay. This is quite good. You will like it. All the nationalities.
in the Caucasus, they have more or less the same dish, but with little similar. Similar, but some difference. Yeah, they have some difference. Yes. Okay. Enjoy. So, ये है चैपल डिश यहाँ की, मतलब चेचनिया की. जितने भी कैस्केसेस रीजन हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, थोड़े थोड़े हल्के हल्के, मतलब अंदर का जो मटेरियल है वो चेंज हो जाता है. बट ये इसमें प्याज है, उसमें कद्दू है. सो अच्छा है, काफ़ी इंडियन टेस्टी आ रहा है एकदम. खाते हैं और खाने के बाद मिलते हैं. सो सुबह का खाना नाश्ता लग गया है. लास्ट मेरा है, अभी मैं जा रहा हूँ मक्का चकला की साइड, और लास्ट में नाश्ता पानी करके ये भाई साहब मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग मी. यू आर वेलकम. आई विश वी कुड गो टुगेदर टू द माउंटेंस पर्टिशनिया, बट अनफॉर्चूनेटली दिस इवनिंग आई विल बी बिजी. आई हैव टू प्रिपेयर माय सेल्फ. ओके, यस. आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड ट्रैवल. एंजॉय मक्का इन दागेस्तान. इट्स अ नाइस प्लेस. सो ये इन भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने एक दिन के लिए होस्ट किया. सो चलते अब नाश्ता पानी कर लेते हैं, उसके बाद मक्का चकला की तरफ चेक करेंगे. ये मेरा हिचहाइकिंग पॉइंट है चेचनिया में, पहली हिचहाइकिंग मेरी. देखते कैसे जाती है चेचनिया में हिचहाइकिंग. लोग देख तो रहे हैं, रिस्पॉन्स तो अच्छा है इस तरफ वाले. वैसे तो हमेशा देखते ही हैं, वो उस तरफ वाले जो हमेशा ले जाना नहीं चाहता है ना, वो तो देखता ही है, क्योंकि उनको उस तरफ जाना है, उनको कोई दिक्कत नहीं है. पर जिसको मुझे ले जाना है वो कोई नहीं दिखेगा मुझे. एलेक्सी स्पासिबा बोल छोए कुदा तंबोव 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 कुदा центральная Россия कुदा तंबो टी लिबिया चेचेनिया चेचेनिया इंगुशिया नहीं रूसकी खरोशो. सो ये भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दी है मक्का चकला तक, और ये ना चेचने ना दागिस्तान से, ये रशिया से हैं. सो चलते हैं, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और काफ़ी जल्दी लिफ्ट मिल गई, कोई सोचा नहीं था ऐसा कुछ. सो फिर से भाई साहब कॉफ़ी बना रहे हैं. ऐसे कुछ ट्रक में कॉफ़ी बनती है, सबके पास गेस्ट होता है. और मैंने हालांकि आपको काफ़ी बार बता दिया है कि कैसे, मतलब ट्रक में कॉफ़ी बनती है, बट फिर से एक बार बता रहा हूँ, कोई सर्व करे तो बताना जरूरी है, क्योंकि वो दिल से दे रहा है, तो इसलिए मैं हमेशा बता रही है. हाँ, यहाँ मेजरली दूध के बिना कॉफ़ी पीते हैं. काफ़ी टेस्टी कॉफ़ी है. बता कुसना 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 मतलब टेस्टी है आई गेस. आपका स्वागत करता हूँ दागिस्तान के कैपिटल मक्का चकला में. पूछ रहे हैं कहाँ से आया, कहाँ से आया है. मैं बता रहा हूँ इंडिया से आया हूँ, पैदल चलते चलते. आधे लोग तो यूँ समझते हैं कि इंडिया से पैदल पैदल चलते चलते आ रहा है, पर क्या करें, चलते चलते नहीं, लिफ्ट ले लेके आ रहा हूँ. Понял. Как? Я ему спросил, видел Индия, Индия. Я хотел помочь человеку. Ну, видишь, я тебе хотел помочь. Пакистаном пешком идешь, да? Да, виски. Ты дом это? Тебе хорошо. तो ये भाई साहब ने मुझे सामने से लिफ्ट दी, मैंने मांगी भी नहीं थी, मैं चलते चलते जा रहा था, और भाई साहब ने कब दिया दावत. शराबुद्दीन नाम है इनका. सो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, ये खुद आके रुके, मैंने इनको रुकाया नहीं था, और फिर पुलिस आके पीछे पड़ गई हमारे, और उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए. सो ये 3 किलोमीटर की राइड है, पर काफ़ी अच्छे लोग हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है. तो ऐसा कुछ एरिया है यहाँ पे. हाँ, ये पूरा इस साइड का जो है वो मेरे होस्ट का है, और उस तरफ इस तरफ का है, जो काफ़ी बड़ा एरिया है, इन्होंने काफ़ी बड़ा एरिया ले रखा है. मैं आपको मेरा कमरा बताता हूँ. ये मेरे होस्ट की कार है, ये अभी साफ़ कर रहा है, इसके बाद हम कहीं जाएंगे. ये पूरा मेरा कमरा है.
में सब लगभग सारी व्यवस्था है, काफ़ी बड़ा कमरा है, किचन है, काफ़ी शांत है, मेरे होस्ट थोड़े से शांत है, एकदम शांत स्वभाव के, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं।